धनवंतरी लाइब्रेरी में डिमांड है हमारी 24/7 खुलनी चाहिए, जैसे कोविड से पहले थी उस प्रकार से। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एबीवीपी के छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखें, प्रोटेस्ट करने की वजह जो हमें जानने को मिली है कि ये कहते हैं कि धनवंतरी जो लाइब्रेरी है उसे 24 घंटे खोला जाए। इसके पीछे की वजह क्या है कि उनका काफी सारी प्राइवेट लाइब्रेरीज भी आजकल चल रही है, पैसे कमाने का एजेंडा भी चल रहा है, तो शायद वहां पर कई सारे छात्र जो है वो प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां जाके पे करते हैं, पे करने के बाद लाइब्रेरी में स्टडी करने को मिलती है। तो ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी स्वयं की है तो फिर क्यों नहीं ये कहते हैं कि खोला जाए। जानने की कोशिश करेंगे ये लोग क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का वर्तमान अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आज का जो डिमॉन्स्ट्रेशन था प्रशासन के खिलाफ, वो हमारी 13 मांगे हैं, जो हैं विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के हित के लिए हैं। जब हमने बैठक बुलाई थी उसमें सभी स्टूडेंट्स आए थे उस बैठक में, और स्टूडेंट्स ने जो कहा था कि हमारी समस्याएं हैं सर, उनको उनका समाधान निकाल लें। हमने एक ज्ञापन पत्र बना के प्रशासन के समक्ष रखा, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उसके ऊपर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं लिया है, जिसमें डिमांड। मार्च में सबसे प्रायोरिटी पे जम्मू विश्वविद्यालय इकाई ने धनवंतरी लाइब्रेरी रखी है। धनवंतरी लाइब्रेरी में डिमांड है हमारी 24/7 खुलनी चाहिए, जैसे कोविड से पहले थी उस प्रकार से, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया अभी तक। धनवंतरी लाइब्रेरी 24/7 आखिर विद्यार्थी परिषद क्यों मांगता है? वो इसलिए कि विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 15,000 स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहा है, और 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उनकी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद अगर वो रेस्ट करने के लिए हॉस्टल्स में जाते हैं, 1-2 घंटे के बाद वापस आते हैं, 8 बजे मेस चलती है, 10 बजे उनका खाना संपन्न होता है, उसके बाद 1 घंटा बचता है, आने जाने में वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्रशासन को समझना चाहिए उनकी समस्या, क्योंकि वो नहीं पढ़ पाते। हॉस्टल में रीडिंग रूम की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता, गर्मियाँ हैं, अभी तक एसी चेयर्स वहाँ पर नहीं है प्रॉपर तरीके से, और एक हॉस्टल में 200 के लगभग स्टूडेंट रहता है, तो रीडिंग रूम कहाँ है वहाँ पे, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए हमने जब देखा कि धनवंतरी लाइब्रेरी एक अल्टरनेटिव यही है फैसिलिटी हमारे पास अभी भी उपलब्ध है, वो प्रशासन स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक नहीं किया है। सबसे पहली जो डिमांड है हमारी कि धनवंतरी लाइब्रेरी अगर 24/7 नहीं खोलते, 2 बजे तक खोली जाए, ताकि स्टूडेंट्स चैन के साथ आराम के साथ पढ़ पाए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्राइवेट लाइब्रेरियों को इसमें प्रमोट किया जा रहा है कि इसको इसलिए बंद रखा गया? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको प्राइवेट लाइब्रेरियों को प्रमोशन देनी है, तो स्टूडेंट्स की जहां पे एडमिशन्स क्यों, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हमारी जो मांग है कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाए, और जम्मू विश्वविद्यालय का स्टूडेंट आज भी प्राइवेट लाइब्रेरी में बाहर जाकर पढ़ रहा है। 24/7 अगर प्राइवेट लाइब्रेरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं, जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन क्या कमजोर है, वो क्यों नहीं कर सकता? दूसरी मांग हमारी हॉस्टल को लेकर है। जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर सबसे ज्यादा संख्या गर्ल्स की है, लेकिन हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो बहुत कम है। आज भी दूर दराज इलाके से जो लड़कियां हैं, पुंछ, सरजोरी, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, आज भी उन लड़कियों को बाहर रहना पड़ता है, गरीब घर से वो लोग ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो एफोर्ड नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय जल्द से जल्द अकोमोडेशन प्रोवाइड करे, अगर उनके पास अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी ने बाहर जाके हॉस्टल्स लिए हैं, तो इस प्रकार से जम्मू विश्वविद्यालय के गर्ल्स को भी प्रोवाइड किए जाए। धन्यवाद। और हमारी वाईफाई जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर बहुत पोअर क्वालिटी है,
उसको बढ़ाया जाए। आज भी अगर आप यूट्यूब गूगल खोलोगे तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे कोई भी चीज़ डाउनलोड करने में। इस तरह से अगर रिसर्च स्कॉलर जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर वो किस प्रकार से काम कर पाएंगे। दूसरी तरफ भारत सरकार कहती है कि डिजिटल भारत होना चाहिए, ये डिजिटल भारत किस प्रकार से होगा? जम्मू विश्वविद्यालय में वाईफाई प्रॉपर प्रोवाइड किया जाए, जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर 15,000 स्टूडेंट्स एफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं लगभग 60+ हैं, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इस प्रकार की जो समस्या हैं और स्टूडेंट्स डोर टू डोर भड़क रहा है विश्वविद्यालय के, वो नहीं होगा। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो समस्या का समाधान निकालने के लिए सक्षम होंगे। और हमारी 13 डिमांडे हैं जिसमें से मेजर और माइनर जो हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं, एक एक डिपार्टमेंट में दो दो एक एक दिन में होते हैं, उनको एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए जिसमें हमारी जो नेशनल हीरोज हैं, देश के लिए सैक्रीफाई किया है, सुप्रीम सैक्रीफाई किए गए हैं, उनकी बाल हो, उनके स्टैचू लगे, ताकि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलती रहे। इन्हीं मांगों को लेकर है हमारा समक्ष प्रशासन के समक्ष ये मांगे रखी है। कोई आपने मेमोरेंडम भी दिया है? ऑलरेडी दे दिया है 3 अप्रैल का, आज पूरा एक महीना हो गया, कोई काम नहीं हुआ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आप लोगों को जब पढ़ना होता तो कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं आप? हमारा यही दिक्कत है, पढ़ाई हो नहीं रही है स्टूडेंट से। आज मांग विद्यार्थी परिषद एक महीने से समक्ष यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रख रहा है, लेकिन सफर एक साल से स्टूडेंट हो रहा है, जब कोविड के बाद यूनिवर्सिटी ओपन हुई है। तो विद्यार्थी परिषद एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करता है कि पढ़ाई के ऊपर स्टूडेंट्स के ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो विश्वविद्यालय में आता है, दूर दराज इलाकों से आता है, पहली प्रायोरिटी उनकी पढ़ाई होती है। चलिए, शुक्रिया हम, धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि एक तो धनवंतरी जो लाइब्रेरी है उसे 24 घंटे खोला जाए, प्राइवेट लाइब्रेरीज में बच्चों को पढ़ना पड़ता है, और भी कुछ मांगे जो हैं वो इन्होंने रखी हैं, और ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।